इंदौर के आजाद नगर पुलिस ने ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है जो कि नकली नोट चलाने की फिराक में था। पुलिस ने निमावर रोड में इस युवक को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 1,92,000 रुपए के 2,000 और 500 के 192 नोट जब्त किए गए हैं। एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी ठेले वालों को नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहे थे। सर प्रिंटर मशीन से फोटोकॉपी के लिए सर। कितने कितने मार्केट में कितने नोट चलाए सर? नहीं बेचा मैंने। किसको देते थे तुम नोट? ये किसको देते? देता नहीं था सर। तो ये प्रिंट करके ये नोट बनाने की तरकीब कैसे आई तुम्हारे? सर ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर देखा था तो मैंने उसको मतलब वो प्रिंटेड मशीन से हर चीज़ के मतलब प्रिंट हो जाती है तो मैंने उसको सिर्फ फोटोकॉपी मशीन से उसको प्रिंट करके देखा। अच्छा अभी तक तुमने मार्केट के अंदर तो तुमने कितने पैसे खर्चा करा? मैंने सर नहीं करा, मैंने तो सिर्फ एक वो उसकी मशीन के लिए सिर्फ 4,000 रुपये मैं वो मशीन लेके आया था बस सर, इतना ही है। मैंने मशीन में नकली नोट से लाए थे असली? नहीं सर वो तो असली पैसे पैसे से आती है ना सर। मशीन कितने की खरीद के लेके आए थे तुम? 4,000। थाना आज़ाद नगर में बहुत दिनों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग जो जाली नोट हैं उनको खपाने के प्रयास में घूम रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी आज़ाद नगर के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टीआई सर द्वारा एसपी सर द्वारा लगातार इस पर निगाह रखने के लिए निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी द्वारा अपनी जो टीम लगाई गई थी उस टीम ने घेराबंदी करके कल शाम को एक व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास ये संदेह था कि वह ठेले वालों के पास कुछ जो जाली नोट हैं उनको खपाने का प्रयास कर रहा है। घेराबंदी कर जब उसको पकड़ा तो उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से लगभग 1,91,000 रुपये जो 200 और 2,500 के नोट थे वो बड़ी संख्या में जब्त हुए हैं। और जब उसकी तलाशी वगैरह ली गई तो उसके पास से एक कट्टा भी बरामद हुआ है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 1,91,000 रुपये जो नकली नोट थे 500 और 2,000 के वो जब्त हुए हैं और एक कट्टा भी जब्त हुआ है। और उससे पूछताछ करने पर मालूम चला कि ये व्यक्ति लाखन पिता बगदीराम चौहान बड़नगर उज्जैन का रहने वाला है।